अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई आमिर इकबाल भट्ट। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, मैं इस टाइम मौजूद हूं इब्राहिम खलील रोड पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मिसला ब्रिज है। आज मैं मिसला ब्रिज से जाऊँगा हरम पाक की तरफ। रास्ते में जो जो रौनकें हैं, जो जो दुकानें हैं, होटल्स हैं, क्या क्या मसरूफियात हैं लोगों की इस रोड पर, कौन कौन से लोग यहाँ पर ठहरते हैं, आज हम कोशिश करेंगे हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की। तो आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जल उलियान अल खलील, उसके बराबर में मसल बदर, मसल बदर के बराबर में इमार अल मनार होटल, ग्रोस्ट अल फरूज काफ़ी मशहूर है ये, इसका ब्रोस्ट। उसके बराबर में फिर एक अब्दुल अजीज रेस्टोरेंट है। काफ़ी दुकानें शॉपिंग वगैरह की, शवारमा अरबी। इसका शवारमा माशाल्लाह काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी मज़ेदार है, अगर आप आएँ तो ज़रूर इसे ट्राई करें। अल औलियान गोल्डन होटल, यह जी आपके भाई का होटल इमार अल खलील। इस दफ़ा भी मैं इसलिए रुका हूँ, ये मेरा तीसरा स्टे है इस होटल में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुरसकून होटल है, और सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये होटल है। मोस्टली लोगों के होटल जो हैं वो गलियों में होते हैं। इस वक्त काफ़ी रौनक हो गई है, काफ़ी शोर है यहाँ पर। शाम का टाइम है, कुछ देर तक मगरब होने वाली है। ये रहा जी असली गुजरांवाला होटल, इनका खाना भी काफ़ी अच्छा है। हर जगह पर ये लोग मौजूद हैं, सिम बेचने वाले। जिस कंपनी की सिम आपको चाहिए हो वो आपको मिल जाएगी। ये है जी वो मशहूर गन्ने वाली गली। जैसे जैसे मगरिब का टाइम नज़दीक आ रहा है, लोग यहीं पे बैठ रहे हैं, मसल्ले बिछा रहे हैं ताकि यहीं पे बैठ के नमाज अदा कर लें। अभी दिल कर रहा है चाय पीने का, लेकिन चाय हो कड़क, तो आइए कहीं से कड़क चाय लेते हैं। शवारमा कैफेटेरिया, एक कड़क चाय जी, कड़क चाय। थैंक यू ब्रदर। चाय मैंने ले ली है, अब पी के देखते हैं इसका कैसा टेस्ट है। बिस्मिल्लाह, ओहो हो हो हो, सही कड़क चाय है।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है माशाल्लाह तबारक अल्लाह रश देखिए आप कितने माशाल्लाह मैं खड़ा हूँ जी इस टाइम बिल्कुल बाहर रश के बायस तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके इस साइड पे दिखाइए बेगम कि यहाँ के तमाम रास्ते बंद कर दिए इतना रश है माशाल्लाह तबारक अल्लाह बहुत बहुत रश है। और मेरे कैमरामैन ने आपको दिखा दिया तो मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ देख लें पीछे आप इस तरह दुनिया आ रही है लेकिन यहाँ से अंदर नहीं जा सकते लिहाजा वो सबको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सीधा जाएं न्यू एक्सटेंशन की तरफ वहाँ से रास्ते खुले हैं और वहाँ से आप इंटर हों और वहाँ जाके नमाज अदा करें मगरिब की। तो देखते हैं कोशिश करते हैं अगर हम लोग यहाँ से इंटर हो सके तो ठीक है जो रास्ता आपको दिखाया वो तो ओपन नहीं हुआ तो अब क्या करें अब हम भी जा रहे हैं जी न्यू एक्सटेंशन की तरफ वहीं चलते हैं चल के मगरिब की नमाज अदा करते हैं। तो आइए बेगम हम वहीं चलते हैं अभी तक चल रहे हैं न्यू एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं रास्ते में जितने भी मकाम थे अंदर जाने के उस तमाम बंद किए हुए हैं रश के बायस। ये भी एक रास्ता है ये भी मुकम्मल तौर पर बंद है यहाँ पर से भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अब हमें जाना पड़ेगा मस्जिद आगे ये है जी वो होटल उसके सेंटर में आप देख सकते हैं यही वो जगह है जो दुनिया की सबसे ऊँची जगह है जहाँ आप जाके नमाज अदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज अदा कर ली है उम्मीद करता हूँ आपको आज इब्राहिम खलील रोड और उसके नज़ारे पसंद आए होंगे। तो आइए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में भाई की वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। हाँ अगर हो सके तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अपने भाई आमिर इकबाल भट्ट को दीजिए इजाज़त मेरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।